भाई और बहनों, ये हमारी सरकार के काम करने का तरीका है। हम जो संकल्प लेते हैं उसे सिद्ध किए बिना न हम रुकते हैं न थकते हैं, और झुकना तो हमें मंजूर ही नहीं है। ये भी दो सरकारों का बहुत बड़ा फर्क होता है। एक सरकार वो होती है जिसकी आदत होती है योजनाओं को लटकाना भटकाना, वहीं दूसरी तरह की सरकार होती है जो हर प्रयास करती है कि कोई योजना लटके नहीं अटके नहीं बल्कि तय समय पर पूरी हो। मैं आपको कुछ बातें याद कराना चाहता हूं साथियों। मुंबई ट्रांस हार्बर लिंक के बारे में 2004 में सोचा गया, ये योजना फाइलों में अटकी रही और फिर इसे ठंडे बस्ते में डाल दिया गया। इस प्रोजेक्ट को हमारी महायुति की सरकार ने डिब्बों में से बाहर निकाला और योजना को पुनर्जीवित किया। 2016 में इसकी आधारशिला रखी गई और अगले कुछ ही वर्षों में ये काम पूरा भी हो जाएगा। साथियों, ऐसे ही नवी मुंबई में हवाई अड्डा बनाने की योजना पर ये बात 1997 में शुरू की गई थी, लेकिन ये प्रोजेक्ट भी लटक गया। केंद्र और राज्य में महायुति की सरकार के प्रयास के कारण ये प्रोजेक्ट अब जमीन पर उतर रहा है। एक और उदाहरण मैं आपको देता हूं। मुंबई में मेट्रो बनाने का प्रस्ताव 1997 में रखा गया, लेकिन मुंबई मेट्रो की नींव, समय बीतता गया 2006 तक बात पहुंची और वर्ष 2013-14 तक केवल एक सिंगल लाइन खोली गई। 16 साल में सिर्फ 11 किलोमीटर। अरे ऐसी चाल है, इस चाल से वाकई कछुआ भी शर्मा जाए। इसी मेट्रो नेटवर्क के लिए महायुति की सरकार ने तेजी से काम कर प्रारंभ कर दिया। आने वाले 2-3 वर्षों के भीतर ही मेट्रो का एक बहुत बड़ा नेटवर्क मुंबई में खड़ा हो जाएगा। साथियों, ऐसे जितने भी काम हैं उसका सबसे बड़ा फायदा कॉमन मैन को, सामान्य मानवी को। दशकों से चली आ रही दिक्कतों को दूर करने के लिए किया गया हर प्रयास कहीं न कहीं सामान्य आदमी के जीवन को आसान बनाता है।